बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम सब ठीक हैं, आई होप आप भी ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं हज़रत अय्यूब अंसारी के मज़ार पे। ये तुर्की में है और इधर आप आपको मज़ार दिखाएंगे। ये उसका बाज़ार है। तो अब ये बाज़ार में एंटर हो गए तो आपको दिखा रहे हैं ये सारी दुकानें वगैरह जो बाहर लगी हुई बाज़ार में। यहाँ पे अत्र वगैरह होते हैं और दूसरी जो इस्लामिक चीज़ें होती हैं वो वाली हैं, तो ऐसी चीज़ें सारी जो मज़ारों पे अक्सर होती हैं। ये कब्रिस्तान है, ये पुराने ज़माने का कब्रिस्तान है, ये सारी कब्रें हैं। अब इनकी डिटेल तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन ये दौरे उस्मानिया के दौर की सारी कब्रें हैं। ये अब हम बाज़ार में एंटर हो गए हैं। ये जो मज़ार के बिल्कुल साथ है, यहाँ पे तस्बियाँ, डेकोरेशन पीसेस और ज्वेलरी, काफ हर चीज़ है। ये लेडीज स्कार्फ हैं, इस साइड पे डेकोरेशन पीसेस हैं। Gel hadi gel. ये भी कब्रें हैं इधर।
ये सामने जो आप गोल्डन जिसके ऊपर ताज सा बना हुआ है, ये हज़रत अयूब अंसारी के हज़ार का है, ये उनका सहन है। आगे जाके सहन की एंट्रेंस सही है। ये लेडीज़ की नमाज के लिए जगह है ऊपर। ये सामने जो ग्रीन नज़र आ रहा है, वज़ू के लिए जगह है। इधर से भी एक एंट्रेंस है। इधर से भी लेडीज की नमाज के लिए एंट्रेंस है। अब मैं अंदर जा रही हूँ मज़ार के। ये एंट्रेंस पे जूते उतारने पड़ेंगे। मैं ज़रा जूते उतार के बैग में डालूं। ये मैं एंटर हो गई हूँ अंदर।
बच्चे? ये मस्जिद है अयूब सुल्तान। ये अयूब सुल्तान मॉस्क जो है वो अंदर से अब हम बाहर निकल रहे हैं, ये मज़ार के अंदर से बाहर आ गए हैं सहन में। तो ये वही सहन है जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले हम गुजर के गए थे। देखिए ज़ायरीन काफ़ी जा रहे हैं अंदर, वो एंट्रेंस है मज़ार की। और ये पीछे कब्रें हैं, यहाँ पे हर तरफ ही मज़ार की बाहर साइडों पे कब्रें बनी हुई हैं, तो कब्रिस्तान है। कुछ जगह इन्होंने रेनोवेशन के लिए बंद की हुई है। आज हमने आपको हज़रत अय्यूब अंसारी का मज़ार जो है वो दिखाया है, तो आप इसको ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।